नमस्कार दोस्तों, एसएससी वायरस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम टेस्ट बुक का जो फुल टेस्ट है उसका पांचवा टेस्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले चार टेस्ट का सोल्यूशन लेके आ गए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। और अगर आप इसको देखते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप भी साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे पहले ही पेपर को सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 5। हो गया, रेडी टू बिगिन। पहले क्वेश्चन में, एक टीवी मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को 8% प्रॉफिट में बेचता है, होलसेलर रिटेलर को 10% पे, और रिटेलर जो है 11,050 रुपये में बेचता है 15% के प्रॉफिट के साथ। तो हमें बताना मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो यहाँ पे तो बहुत सारा तरीका है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इफेक्टिव निकाल लें। जैसे अगर हम 10 और 15 का इफेक्टिव निकालेंगे तो 15 प्लस 10 प्लस 150 बटा 100, ये कितना हो जाएगा, 26.5 कितना हो गया। इसको 8 के साथ निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26.5 प्लस 8 प्लस 8 पच्चीस 40, 6 अच्छा 48 4 52, 8 16 5 21 बटा 100, तो 26 34 2 36 आ गया ना, 36.62%। तो इतना परसेंट नेट प्रॉफिट हुआ है। हम अगर देखें तो 136.62% का वैल्यू दिया है आपको, कितना, 11050। निकालना कितना है हमें, निकालना है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस, तो 100% का वैल्यू निकालना है। कितनी बार में जाएगा अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो, यहाँ पे 7 8 कर करके दिया है ना, तो अगर हम 8 बार में करें तो 8 6 48 18 24 4 28, 8 2 10, 1088 आ रहे हैं। और ये 1088 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब 80%, मतलब 80 के आसपास आंसर आ सकता है। तो 80 के आसपास, मतलब 80 से थोड़ा ज़्यादा ही आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी देखिए, ये ट्रिपल 4 बार 8 है तो ये तो नहीं आ सकता। फिर ये क्या हो गया, पहले क्वेश्चन में सबमिट आ रहा है, एक मिनट स्विच स्क्रीन करना पड़ेगा। इधर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है दोस्त। देखते हैं, कुछ पैटर्न मैच करने पे ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 1/9 है, 6 है 12, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 12 को लिख सकते हैं, 3 गुना 4, और हाँ चलिए मैच कर गए, 4 गुना 5 आएगा, ये वाला 5 गुना 6 आएगा, यहाँ पे 6 गुना 7 आएगा, ये है 7 × 8, और अगला कितना है, 8 × 9। तो ऐसे पैटर्न मैच करने से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/9 में कोई पैटर्न नहीं आया। अभी 1/2 × 3 को लिख सकते हैं, 1/2 − 1/3 + 1/12 है, इसको लिख सकते हैं 1/3 − 1/4, 1/3 − 1/4 1/12 आ जाएगा। ये 1/4 × 5 को आप लिख सकते हैं, 1/4 − 1/5, और एक करके लास्ट तक कहाँ जाएगा, 1/8 − 1/9, यही ना। अभी 1/2 को छोड़ के सब ऑल्टरनेट में कैंसिल हो रहा है, तो 1/8 अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बच जाएगा। तो यहाँ से आंसर है 1/9 + 1/2 − 1/9, ये 1/9 भी कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मतलब सुंदर है, सुंदर है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है साइन एक्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिख रहा है, सीधे सीधे एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन एक्स हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 / 1 sin x cos x × 1 − cos x 1 − cos² x, इसे आप साइन स्क्वायर एक्स बोलेगा, इसका वैल्यू कितना है, 4। तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया है 1/2, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। बाप रे, क्या क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे दिया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, पी क्यू आर एस ए के स्क्वायर है, पी क्यू आर एस ए के स्क्वायर है आप, एंड एक और इनर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है, दिख रहा है, पॉइंट्स को बी सी डी ए पे टच करता है। तो हमें रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर इसका एंड पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी, मतलब ये रेशियो चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली लेंदी होता है, चलिए देख लेते हैं, एक ट्राई तो बनता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बी सी डी ए क्या है, आपका पी क्यू आर एस का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे हमने ए मान लिया, ए भी ए मान लिया, सब ए आ जाएगा। हमें ए बी सी डी का क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, यही ना। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो √2 आ जाएगा। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, सबका वैल्यू √2 ही आ रहा है,
रूट टू ए आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, जो बाहर का सर्कल है ना, इसका भी हमें चाहिए आपका सर्कमफेरेंस। तो बाहर के सर्कल का ये जो डायमीटर है, डायमीटर कितना होगा, ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू आर एस, ये जो क्वार क्या है आपका स्क्वायर है, इसका जो डायगनल है, डायगनल कितना होता है, रूट टू टाइम्स ए। ए का वैल्यू तो टू ए है, यहाँ से आ गया 4√2a। अब हमें इसका चाहिए क्या, ओ हाँ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है, पाई डी हो जाता है, तो पाई इंटू 4√2a। सब कुछ सही है ना, रूट टू इंटू ए, ठीक है हाँ पाई डी। अभी इसका रेशियो चाहिए, रेशियो कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, रूट क्वेश्चन में दिया क्या था, ठीक है ठीक है, पॉलीगन ए बी सी, सब कुछ सही तो जा रहा है, गड़बड़ है क्या, ऑप्शन में पाई दिया है, पाई दिया है ना, चलो यहाँ पे हम पाई टिक करते हैं। उसको एक बार आके देख भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन लग सकता है। आइए आगे चलते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखना है। इसमें कि 4% ए से डी तक जाता है, रूट ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा इन सबका कुछ वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे ए तो बी नहीं, ये हो गया, इधर बी मान लेते, इधर सी मान लेते, इधर डी मान लेते, इधर ई मान लेते। तो पहला ए बी सी डी गया है 70 मिनट लिया है, ए बी सी डी ठीक है। दूसरा गया है 45 मिनट ए बी डी, तीसरा 30 मिनट ए सी डी, चौथा को 65 मिनट लगा है ए सी बी डी। तो हमें बताना है कि सब सेम स्पीड से जाता है, तो बी से जी एन एम में कितना टाइम लगेगा। ए बी सी डी, सी डी, यहाँ पे ई मान लीजिए, ये जो है ये हमने टाइम मान लिया है। तो पहला जो है ए बी सी डी से गया है, ए बी सी डी, इसको क्या टाइम लगेगा, ए प्लस डी प्लस सी टाइम लगेगा, जिसका वैल्यू 70 मिनट है। दूसरा गया है ए बी डी, ए बी डी, तो इसको टाइम क्या लगना है, ए प्लस बी टाइम लगना है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 45। तीसरा गया है ए सी डी, ए सी डी, मतलब इसे टाइम लगेगा ई प्लस सी, और ये वैल्यू कितना है, 30 मिनट। चौथा को लगा है 65 ए सी बी डी, ए सी बी डी, मतलब ई प्लस डी प्लस बी, ये वैल्यू कितना है, 65 मिनट। हमें निकालना है, हाँ ठीक है, हमें क्या निकालना है कि बी से सी जाने में टाइम कितना लगेगा, हमें डी का वैल्यू निकालना है। तो इसका कोई कॉम्बिनेशन देख लीजिए, डी को बचाना है, फर्स्ट एंड लास्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो 2d आ जाएगा, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए ई ए प्लस डी प्लस, अच्छा ये सी है, माफ कीजिएगा, ई हमने लिख दिया। तो दिख रहा है ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर हम 1 + 4 में से 2 और 3 को माइनस कर ले, तो यहाँ से क्या है, डी दो बार आ गया है, ए सी ई बी, ए सी ई बी चला जाएगा, सीधे 2d बचेगा। 2d का वैल्यू कितना हो गया, 135 आ गया, 135 में से आपको 75 माइनस करना है, 60 आ रहा है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। क्वेश्चन तो सब डिफिकल्ट लग रहे हैं, मतलब कैलकुलेटिव तो है ही। ए वैल्यू दिया x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, दो ऐड करके हमने स्क्वायर रूट ले लिया। एक्स माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 4 लास्ट वाला। अच्छा ये सब क्वेश्चन कर करके आपको अब तक आदत हो गया होगा कैसे जल्दी से सॉल्व करना होता है ना। अगला है कि प्रोबेबिलिटी एक कार को अवार्ड मिलेगा डिजाइन के लिए, ये 3 गुना है अवार्ड नहीं मिलने के, तो इसका अवार्ड मिलने का चांस क्या है, मतलब 3 गुना है तो मिलने का प्रोबेबिलिटी 3x, नहीं मिलने का x, सब जोड़ के होना चाहिए 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। हमें चाहिए मिलने का प्रायिकता कितना है, तो आंसर आ गया 3/4। इसमें कि मीन ऑफ 60 बल्ब 650 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 घंटे है। दूसरे सैंपल में 80 हैज मीन लाइफ ऑफ 660 एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी लगेगा, क्योंकि हमें दो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला स्क्वायर निकाल के, अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे एक टैंक 27 घंटे में फिल करता है, दूसरा और 36 घंटे में खाली करता है, ए बी 27 में फिल 36 में खाली, तो इसका एलसीएम 9 × 27, 9 × 36, 108 आ जाएगा, 27 वाला 4, इसका है -3। दोनों को एक साथ ऑपरेट किया गया है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब दोनों को एक साथ में इफिशियंसी एक हो गया, 108 कितना हमें फिल करना है, 4/9वां हिस्सा फिल करना है, इसका 4/9।
नौ आठ उत्तल से बच्चों का 48, लास्ट का ऑप्शन है ये वाला। इसमें कि जावेद ने 10,000 लिया है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, 12,544 पे किया है एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे खरीदता तो उसे कितना देना पड़ता? तो हमें पता है कि पी आर स्क्वायर बाई 100% यही होता है क्या डिफरेंस। तो हमें क्या रेट निकालना पड़ेगा, रेट कैसे निकाले? 12,544 है, 10,000 है, तो सी आई कितना मिल गया? 2,544 मिल गया है। तो आर कितना हो जाएगा? इफेक्टिव देखें तो 2544 बटा एक पे 1, 2, 3, 4 गुना का 100 गया गया, यहाँ से आया 25.44। ये अगर 2 ईयर्स के लिए है तो रेट कितना होगा पर ईयर? 12 हो जाएगा, 12% का, 2 साल का इफेक्टिव 25.44 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? एक पे 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया? 144 बटा 100 ना, तो आंसर 144 आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में कि 10 फीट लंबा लेडर वॉल के अगेंस्ट है एंड 8 फीट ऊपर जाता है, तो कितना डिस्टेंस से लेडर को टुवर्ड्स द वॉल ले जाना पड़ेगा कि 9.6 फीट तक जाए? हम ये बोल सकते हैं कि दोनों केस में जो है आपका लैडर का लेंथ तो सेम होना चाहिए। लैडर का लेंथ कितना है? 10, यहाँ पे 10 है, डायग्राम गलत बना दिया, ऐसे होना चाहिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये 10 है, इनिशियली कितना जा रहा था? 8 जा रहा था, अभी जो 10 है इसे कितना जाना चाहिए? 9.6, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9.6। 10 है 8 है तो यहाँ पे कितना था? पहले 6 फीट था, अभी हम ए वाला निकाल लेते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो 10 में से 9.6 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.6 इंटू 0.4 स्क्वायर रूट के अंदर, ये कितना हो गया? 1.4 इंटू 0. मतलब 1.4 क्या, सीधे 14 गुना 2 गुना 0.1, तो यहाँ से 2.8 आ गया। अभी देखिए ए है 2.8, पहले था 6, तो कितना खसकाया हमने? 3.2 फीट। ये क्वेश्चन तो डुएबल लग रहा है। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया साइन थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा आपका क्या? कॉस थीटा, इंटू है ना ये, इंटू टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन एक हो जाएगा माइनस के साथ। कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, एंड साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है ना, एक माइनस यहाँ पे था और वो तो प्लस हो गया था, 2 पाई माइनस थीटा है ये वाला, तो एक माइनस ऊपर एंड नीचे वाला माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक। तो माइनस आप देखोगे कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 आंसर आ रहा है। होपफुली कैलकुलेशन सही हो, माइनस 1 प्लस 1 में घोटाला भी हो सकता है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो LCM आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन अल्फा और माइनस 1 माइनस साइन अल्फा। आपको दिख रहा है कि ऊपर आ गया माइनस 2 साइन अल्फा एंड नीचे है रूट कॉस स्क्वायर अल्फा। रूट कॉस स्क्वायर अल्फा को क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो रूट कॉस स्क्वायर अल्फा को माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस 2 साइन अल्फा आ गया, यहाँ माइनस कॉस अल्फा आ गया, यहाँ से 2 टेन अल्फा आएगा, माइनस 2 टेन अल्फा नहीं आएगा। एंड क्वेश्चन में माइनस वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है तो आपको ऐसा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। इसमें दिया है कि लेंथ ब्रेथ क्यूबॉइडल का दिया हुआ है एंड इसका वॉल्यूम भी पता है, तो हमें हाइट निकालना है। हाइट कैसे आ जाएगा? 1875 बटा 25 गुना 15, 15 एक बार में 3, 15 गुना 30, 15 पचास 75, 5 आ रहा है ना, ये क्वेश्चन तो आसान लग गया भैया। इसमें क्या दिया है? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अच्छा, ये भी तो कैलकुलेटिव होगा ही, चलिए लास्ट में करेंगे। एक डीलर को 20% फायदा मिलता है अगर आर्टिकल को 25% का डिस्काउंट पे बेचता है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम सीधे निकाल लेंगे। 20% फायदा हुआ तो नीचे 120 हो जाएगा, 25% डिस्काउंट दिया तो ऊपर 75 आ जाएगा, तो 15 पचहत्तर 15 28 ऐसे। एमपी एंड सीपी, एमपी को 5 के जगह पे 500, इसको 8 के जगह पे 800, ऐसा मान ही सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल को डिक्रीज किया है 10% से, इसको 10% से अगर हम डिक्रीज करेंगे तो अभी जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 450 रुपये,
कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा कि इससे प्रॉफिट क्या हो, सेम हो। प्रॉफिट कितना हुआ था पहले, 20%। इसका 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 5 का सामान 6 में देखेगा ना, तो 5, 5 से 90 मतलब 540 रुपया क्या है आपका सेलिंग प्राइस। तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे अगर देख लीजिए, तो 260 रुपये का डिस्काउंट हो गया ना। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 260 बटा 800 गुना का 100 गया गया यहाँ से, 3 के 24, 2 26, 8 दूना 16, 4, 32.5 है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ग्राफ को देखना है, चलो देख लिया। फिर प्रोडक्शन ऑफ स्टेट डी इन 1992 से 93 इज व्हाट टाइम प्रोडक्शन 94 एंड 5। तो डी का 92, 93, 94, 95 में देखना है डी का, ए बी सी डी। 92, 93, 94 है कौन, 92, 93, 94, 95 में, 92, 93 16 है एंड 94, 95 कितना है 12। तो 16 बटा 12 हो गया ना, बच्चों का 16 चार तिहाई 12, तो 1.75, 1.75 है 3 बटा, बच्चों का 16 चार तिहाई 12, 4, 1.33 होना चाहिए, 1.75 क्या बोल रहे हैं। इसमें दिया है कि एक बोट 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 4 घंटे में, और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 4 घंटे 15 मिनट में, तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बताना, मतलब 15/1 से जोड़ो y अपस्ट्रीम दिया है, x - y + 18/x + y = 4, और यहीं अगर देखें तो 15 18 है ना, दूसरी बार 18/x - y + 15/x + y इक्वल टू 4 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 1/4 ही, तो 17/4 आ गया, 17/4। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से 33 कॉमन आ जाएगा। 1/x - y को a मार रहे हैं, 1/x + y को b मार रहे हैं, यहाँ पे चच्चों का 16 33/4 आ गया गया गया। तो देखिए a + b जो है ना आपका कितना रहा, 1/4। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, तो 400 का 16 1/4 आ रहा है इसमें भी, ए नहीं यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 टाइम्स ए माइनस बी का वैल्यू आएगा 1/4। ए माइनस बी कितना आ रहा है यहाँ से, बारह, तो ठीक है यहाँ तक तो सही है। अभी ए एंड बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 3 1 4, 1/3, एंड बी का वैल्यू कितना आ जाएगा देन, 1/4 इन दोनों को, 1/6 आएगा, वही तो 1/6 आएगा, 1/4 में से अगर 1/6 माइनस जाएगा तो 12 6 दुना 12, 4 3 12, मतलब ए आ गया 1/12। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 आ गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 12, तो 12 6 18/2 9। बाप रे इतना टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। बैट्समैन ने 98 स्कोर किया है 17वें मैच में, एंड उसके कारण एवरेज जो है वो 2.5 से बढ़ गया। तो एवरेज बिफोर 17वें मैच कितना था, 17 मैच से पहले एवरेज ए मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो स्कोर कितना होगा 16 मैच तक, 16 ए। अब इसने 98 स्कोर कर दिया, तो टोटल 17 मैच में अभी एवरेज हो गया a+2.5। 17 में से 16 गया ए, ए का वैल्यू कितना आ गया 98 में से 17 दुना 34 एंड 8 42.5, 17 5 85, 34 8 42.5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55.5 है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि पी एन क्यू ने इन्वेस्ट किया है इतना में, पी क्यू इन्वेस्टमेंट है 2:3 के रेशियो में, एंड पी 2 साल कम इन्वेस्ट किया, क्यू 2 साल कम इन्वेस्ट किया है पी से, उनके प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 4/5। तो टाइम कैसे निकालता है, टाइम होता है प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, तो 4/2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 5/3, 6:2 मतलब 3 से गुना कर देंगे तो 6:5 आ गया। ये 6:5 ने 1 यूनिट है गैप, 1 यूनिट का वैल्यू 2 ईयर्स दिया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 साल, मतलब क्यू कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, एंड पी कितने साल के लिए 12 साल के।
एंड ये इधर है, इसमें क्या दिया है, तो ठीक है टोटल आर्टिकल पी ने 300 टोटल आर्टिकल लिए एंड क्यू ने 500 लिए। पी ने कितना लिया था 300 एंड क्यू ने कितने लिए हैं 500। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल आर्टिकल सोल्ड टू पी एंड क्यू बाय ऑल द सेलर्स अदर देन ए बी सी डी ई एफ। ये टेबल शोज आर्टिकल सोल्ड इतना 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 टू टू डिफरेंट सम आर्टिकल्स परचेज। अच्छा ठीक, मतलब समझिए इन सबको छोड़ के भी दूसरे जगह से आर्टिकल खरीदा गया है तो हमें बताना है कि पी एन क्यू के द्वारा जो दूसरे जगह से आर्टिकल खरीदा गया उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 5, 3, 8, 8, 16, 8, 24, 24, 5, 29 एंड 5, 34, फिर 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 2, 16, 5, 21 एंड 4, 25, 254 है। एंड क्यू का कितना रहे 9, 6, 15, 4, 19, 8, 27, 5, 32, फिर 9, 6, 15, 3, 18, 4, 22, 4, 26, 5, 31 कितना रहा है। तो अदर से यह कितना खरीदेगा, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 एंड 4 में से 3 गया 188 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। अभी इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 142, 142 ऑप्शन है, होगा तो ठीक है, नहीं होता तो अगले क्वेश्चन पे जाना पड़ता भाई, ऐसे ही टाइम हमने ज़्यादा बर्बाद कर दिया। एवरेज एज ऑफ 40 लड़कों है 15 साल और 20 साल का एक लड़का ग्रुप छोड़ता है और एक नया लड़का ज्वाइन करता है जिसके कारण एवरेज 15.2 हो जाता है। तो नए का एवरेज क्या होगा, जो नया आया उसका एवरेज ए माइनस 20 कितना होना चाहिए। ये जो डेविएशन है वो पूरे ग्रुप का एवरेज जितना से बढ़ा रहा है या घटा रहा है वो होना चाहिए। तो 40 लोगों का ग्रुप है और उसका एवरेज 0.2 से बढ़ गया, ये कितना गया 8, ए का वैल्यू होना चाहिए 28। ये आसान था। यहाँ पे देखें इसको हम a मान लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू या तो 2 होगा या तो 3 होगा। हमें चाहिए 1 प्लस 1 बाई एक्स, ए है x बाई 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू 2 या 3 है। इसका उल्टा कर देंगे तो 1 प्लस एक्स बाई एक्स, अच्छा यही है आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए या तो 1 बटा 2 होगा या 1 बाई 3 होगा। ठीक है तो इधर आ गया, कितना इस पर दिया है, टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में कंपनीज का द बार ग्राफ गिव्स द सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम टॉप मोस्ट 6 कंपनीज ड्यूरिंग द टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर 2022 एंड 21 में। हमें निकालना क्या है कि एवरेज सेल्स ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ ए सी ई एंड एफ ब्रांचेज इन 20 एंड 21। ए सी ई एफ यहाँ ध्यान देना है, हमें चाहिए ए सी ई एफ 20 एंड 21 में। ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। 20 में ए का कितना है आपका 65 और सी का कितना है 75, 65 और 75 कितना हो गया 140, ई का कितना है 59 एंड ए कितना है आपका, ये भी 140 हो गया ना, 8, 5, 13, 140 एंड 140 हो गया 280। एंड 21 में कितना है देखिए 72 एंड 88, 8, 7, 15, 160 हो गया। फिर यहाँ पे कितना है आपका 63 एंड 88 कितना हो गया 151, तो 160 और 151 कितना हो गया 300, 160 और 151 ना, तो 1, 6, 5, 11, 1, 1, 2, 3, 311, 280 बटा 311 ऐसा कोई ऑप्शन है, 280 बटा 311। तो 20 से करेंगे तो कितना बार में 14 बार में एंड 20 से करेंगे तो 15.5, 14 बटा 15.55, 14 बटा 1 मिनट 20, तो इधर आ जाएगा 15 दुना 30, 1, 31, हाँ पा ठीक ठीक ये हो गया। तो इधर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, ए बी सी डी। आज हम थोड़ा ज़्यादा ही स्लो बना रहे हैं, ए बी सी डी। फिर क्या दिया, सी ओ डी का वैल्यू 120 डिग्री है, सी ओ डी ए वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, बी ए सी का वैल्यू 30 डिग्री है, बी ए सी ठीक है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ बी सी डी, बी सी डी कितना हो जाए। अच्छा तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो ए वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, 120 है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 एंड 30 90 हो गया। हमें बी सी डी चाहिए ना, तो ए वाला पार्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 6। इसमें दिया है कि दो जार इक्वल कैपेसिटी के हैं एंड इनमें मिल्क एंड इसका रेशियो दिया हुआ है, दोनों को थर्ड में एम्प्टी किया गया। चलो ठीक है,
ए है 2:3, ए है 4:5, इक्वल चाहिए थे, 5 है ये 9 है, इक्वल करने के लिए ऊपर 9 से नीचे 5 से गुना कर लेंगे, 9 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, 9 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ आ गया 38 एंड 52। तो 17 एंड 28 दिया है, नहीं तो पहला गलत हो गया। दूसरे में दिया है कि एक जार में 1:4 है, 10 लीटर निकाल के रिप्लेस किया गया है मिल्क से, न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2 है, 1:4 था ये आपका मिल्क एंड वाटर का, अभी क्या है 1:2 हो गया है मिल्क एंड वाटर का, तो वाटर को तो चेंज नहीं किया है इन्होंने, तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 यूनिट, ये जो गैप है 1 यूनिट, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 10। हमें बताना है कि कैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल जार, तो यही आपका ओरिजिनल जार का कैपेसिटी है 6 यूनिट, कितना है 60 के बराबर, तो सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो ओनली 2। इसमें दिया इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच में, विनिंग को 60% ऑफ वैलिड वोट मिले हैं और वह 4000 से जीत गया है, 80% ऑफ टोटल वोट वैलिड थे, तो देखिए 60% मिला है, दूसरे को 40 मिला होगा, तो 20% का वैल्यू कितना है 4000, 20% वैलिड वोट का है 4000, तो 100% वैलिड वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4×5=20 हो जाएगा, 500 गुना, तो 4×5=20 पे 1, 2, 3 मतलब ये 20,000 हो गया। अब ये जो टोटल वोट है ना उसका 80% ही, मतलब 4/5 हिस्सा ही आपका 20 है, तो 4×5=25 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 25,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 10 मिनट में कितना, 10 मिनट 35 सेकंड में कितना जाएगा, 72 किलोमीटर मतलब 5/18 सेकंड करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, या फिर ऐसा कर लेते हैं ना, 10 मिनट है और 35 सेकंड है, 35 सेकंड को 35/60 मिनट कर सकते हैं, तो 5×7=35, 5×12 या 5×7=35 है, तो 127/12 मिनट आ गया, तो 72 है 127/12, ये है क्या मिनट, इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कर दिया हमने, तो सही है कि नहीं, 10 मिनट 35, 5×7=35, 5×12, 7/12, 127, ठीक है ठीक, ऊपर आ गया कितना 72, 1 मिनट क्या कर रहे, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कि कितना किलोमीटर गया ना, इनटू जो टाइम है आपका, टाइम है 127/12 मिनट इनटू घंटा, 12×6=72, 12.7 आ रहा है, 12.7, हमें इसका चाहिए LCM, LCM क्या आएगा, अगर LCM निकालेंगे तो 3×11=33, 33 तो आएगा ही, AQ-BQ में A-B आता है, A^4 में, अच्छा तो AQ-BQ आ जाएगा और A²+B² A+B, ठीक है कूल, ऑप्शन नंबर 1 सही था। यहाँ पे दिया है कि ABCD एक स्क्वायर है, 2 मिनट बचे हैं और हमने 2 क्वेश्चन स्किप किए, ABCD एक स्क्वायर है आपका, तो हमने स्क्वायर बना लिया, EFGH इस ABC, EFGH जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है, EBC का, FCD का, GAD का, H, ये मिड पॉइंट्स हो गए, मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, लेट L डिनोट द लाइन पासिंग थ्रू FNH, इससे पास करने वाला लाइन क्या है L, PNQ आर पॉइंट ऑन L इनसाइड ABCD से, एंगल APD, करना क्या चाहते हो दोस्त, ये P हो गया, देन BQC, AQ हो गया, दोनों एंगल कितने 120 डिग्री, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABQCPD, ABQCPD, CDP ने रिमेनिंग एरिया, अच्छा तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, चलिए हो जाएगा, यहाँ पे A है, A भी A होगा एंड इसका एरिया है 2 है, हमें क्या करना होगा कि दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल लेते हैं पहले, तो अगर ये पूरा 120 डिग्री है इसका मतलब ये दोनों एंगल तो सेम होगा ना, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, अगर ये ए है एंड यहाँ पे एंगल है आपका 30 डिग्री, हाइट कितना होगा, हाइट A/√3 होगा या √3, हाँ A/√3 होगा, हाइट A/√3 हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 × बेस कितना है 2a एंड हाइट कितना हो गया A/√3, यहाँ से दिखिए आपको A²/√3 एक ट्रायंगल का एरिया है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी वही हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका A²/√3, हमें रिमेनिंग एरिया चाहिए, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो गया 2a मतलब 4a² 4a² में से 2a²/√3 को हम माइनस कर लेंगे, अभी दोनों का हमें क्या चाहिए रेशियो, तो यहाँ पे आ गया 4a² में से 2a² माइनस कर लेंगे, तो 2 - 1/√3 बचेगा, एंड नीचे क्या है आपका, नीचे कितना है a² / 2a² / √3, 2a² / √3, तो 2a² से 2a² गया,
मतलब 2√3 − 1 आ रहा है, ऑप्शन है इधर आगे, तो देख लेते हैं इधर था ये, तो ऐसे ही नहीं करना। एक और क्वेश्चन हमने देखा था ना, हमने इसको सोचा था फिर से करेंगे कि कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं था। तो पी क्यू आर एस ए के स्क्वायर है आउटर सर्कल, ठीक है ठीक है। और हमने ए माना था, ए माना था, ए क्या था आपका, √2a था, इसका था 4√2a, एंड इधर जो डायमीटर था, डायमीटर था 2a ना, √2a होता है, तो √2 × 2a मतलब 2√2a था, एंड ए पाई डी होता है, तो π × 2√2a, आंसर π/2 होना चाहिए। देखिए एक एक घोटाला हो गया। फिर हमने और बाकी जगह देखा था क्या, और कौन सा, हाँ चलिए 15 भी देखना था ना। देखिए टाइम तो बचा नहीं है, तो क्वेश्चन को यहीं पे सबमिट कर दें, चलिए कर देते हैं, देखते हैं क्या सीन है, बाकी क्वेश्चंस को आराम से करेंगे। नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर थ्री, मतलब तो गलत कितना हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, के लिए इधर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 गलत हुआ, देखते हैं तो 12 में क्या करना है। साइन पाई प्लस थीटा था −sin θ, और माइनस माइनस प्लस था, ये भी था आपका क्या sin θ, नीचे था cos2π − θ, तो माइनस sin2π − θ, तो −sin θ, cos2π + θ था आपका cos θ, यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, तो आंसर +1 होना चाहिए। tan3π/2 − θ था cot θ, cot2π − θ था आपका, ये भी था cot θ, लेकिन ये माइनस में था। नहीं, ध्यान दें, tan3π/2 − θ +tan θ था, प्लस कॉट थीटा था, कॉसेक माइनस थीटा था −cosec θ, एंड sin3π/2 + θ था आपका क्या cos θ, ये भी क्या था माइनस ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, सही ही तो जा रहा है, माफ कीजिएगा, cot2π − θ तो निगेटिव था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर 1 आना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक होता है आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे आ जाएगा, 4 × 2 = 8 और प्लस 9 × 3 = 27 प्लस 16 × 4 = 64 प्लस 15 × 14 = 25 = 70 प्लस 11 × 6 = 66 प्लस 7 × 6 = 42 और टोटल कितना आ रहा है, 11 × 6 = 17 14 = 31 47 4 = 59 = 60। लेंदी क्वेश्चन है नो डाउट, तो 6 × 2 = 8 4 = 12 7 = 19 और 8 27 6 × 4 = 10 7 × 17 = 23 2 = 29 2 = 31, ठीक है, 8 × 4 = 12 7 = 15, 8 × 4 = 12 7 = 19 8 = 27 6 × 6 = 12 7 19 6 = 25, क्या कर रहे हैं, 27 था, तो फिर 6 × 4 = 10 7 × 17 6 × 23 = 25 = 27 ना। इतना बटा 60 आ गया एक्स बार, ठीक है। फिर हम एक्स स्क्वायर का बार निकालना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर में 4 से गुणा करेंगे, तो 4 × 4 = 16, 3 का स्क्वायर 9 = 81, 4 का स्क्वायर 16 × 16 = 256 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 × 14 कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 28 × 9 = 28 × 7 = 36, 360 ना, 14 को 25 से करेंगे तो 25 × 100, 14 × 25 = 100 एंड 25 × 10 = 35, 350 आ रहा है, 14 × 5 = 70, 28 × 7 = 35, 350 आएगा, 60 नहीं, ठीक है। प्लस फिर 36 को 11 से करेंगे, तो 11 × 6 = 66, 11 × 33 = 6 = 39, फिर 49 को 6 से करेंगे तो 294, ठीक है, 49 को 6 से करेंगे तो 9 × 6 = 54, हाँ ठीक है, फिर इसको 60 से भाग देना पड़ेगा, 6 × 4 = 10 6 × 16 = 17 7 17 × 6 = 23 10 16 17 23, ठीक है, 9 × 9 = 18 5 = 23 5 × 28 8 × 36 1 = 37 2 = 39, 3 × 2 = 5 3 × 8 = 10 और 3 × 13 = 60, ठीक है।
हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना, तो एक्स बार के स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो बार में से एक्स बार के स्क्वायर को माइनस करके स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आ रहा है देखेंगे तो 6 4 की 24, 3 27 होता है ना, तो 3 36, 4.6 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 6 2 12 1 13, 6 3 18, 1 19 23.2। अप्रोक्सीमेटली 23.2 में से 4.6 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 18.6। 18.6 किसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब 4 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 18.6 तो 4 पॉइंट समथिंग के आसपास। बच्चों का 16, 4 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 4.36, तो इसी को ले लेना पड़ेगा। देख लेते हैं आंसर में यह है कि नहीं, गलत, 1.37। ओ, ये घोटाला किया ना हमने। देखिए यहाँ पे ये जो 4.6 है दोस्त, हमें इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये जो रूट के अंदर आ रहा है 23.2, इसमें 4.6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 एंड 24 2 48 है, 3 51 है, 16 5 21, 21.15। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2, मतलब 2 से थोड़ा कम ही आएगा अगर देखें, तब क्या आंसर है, 1.37, क्योंकि 1.37 का स्क्वायर 1.69 के आसपास आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेटिव तो है इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसको एग्जाम में आप स्किप कर दो वही अच्छा है, ठीक है। ये गलत हुआ था ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम ऐसे तो सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई फॉर्मूला वगैरह हुआ, अच्छा 1% लोगों ने ही सही किया है, ठीक है, स्किप कर दिया हमने, अच्छा ही किया। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में कुछ फॉर्मूला होगा तो हम उसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम यही बोलेंगे कि आप इस फॉर्मूले का यूज करो, फॉर्मूला याद करो, यानी कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक। ये पेपर थोड़ा अच्छा था क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन तो एकदम पक्का ही छोड़ने वाले थे, और कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे, मतलब टेक्निकल भी थे, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप छोड़ सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने गलत कर दिया, एंड क्वेश्चन नंबर 1 और हम गलत करने वाले थे, लेकिन गलत एक क्वेश्चन भी अच्छा होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी हम गलत करने वाले थे, क्योंकि हम पाई पाई सेलेक्ट करके गए थे और आंसर था π/2। ये सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको 19% लोगों ने सही किया है, और 12 को कितने किया था, इसको 39%, मतलब 12 क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, और 15 वाले को 4%। तो देख रहे हैं आप परसेंटेज से भी देखेंगे तो 8 एंड 15 स्किप करने लायक ही क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।